वाइब्रेंट गुजरात की गूंज जब विदेशों तक में सुनाई दे रही है। भले ही इस इवेंट में टेस्ला ना आई हो, लेकिन देश और विदेश की कंपनियों ने गुजरात में पैसों की बारिश कर दी है। खुद गुजरात के सीएम ने इस बात की जानकारी एक्स प्लेटफॉर्म पर दी। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, वाइब्रेंट गुजरात में 26.33 लाख करोड़ रुपए यानी $317 बिलियन के निवेश में MOU साइन हुए हैं। वास्तव में रकम दुनिया 166 देशों की GDP से भी ज्यादा है। जी हाँ, जिसमें कई यूरोपीय, एशिया, अफ्रीकी देश शामिल हैं। पाकिस्तान का तो 6 साल का बजट भी इस रकम से पूरा हो जाएगा। आइए पहले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के उस ट्वीट के आंकड़ों को देखते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें एडिशन के दौरान 26.33 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रपोजल वाली 41,299 परियोजनाओं के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा, यदि 2022 में आयोजित होने वाले VGGS में हस्ताक्षरित MOU को जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा, जिसमें कुल 98,540 MOU शामिल है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में नया कीर्तिमान रचा है। उन्होंने कहा, गेटवे टू द फ्यूचर की थीम के साथ आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट नए युग के उभरते सेक्टर सेमीकंडक्टर, ई मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी में हुए कई MOUs के माध्यम से विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में अग्रणी रहेगा। वहीं अगर इस रकम को डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो $317 बिलियन से ज्यादा होगा। ताज्जुब की बात यह है कि दुनिया के 166 देशों की GDP भी $317 बिलियन नहीं है। IMF के अनुसार फिनलैंड की GDP करीब $306 बिलियन है। न्यूजीलैंड, ग्रीस, कतर, हंगरी आदि देशों की GDP $250 बिलियन से कम है। खास बात तो ये रकम पाकिस्तान में 5 से 6 साल के बजट के बराबर है।